निविदा रद्द करने के मामले में एसीबी से शिकायत, निष्पक्ष जांच की मांग, मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। धनबाद के झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम जेएसबीसीसी रांची के द्वारा परमामेंट फिकॉन प्राइवेट लिमिटेड धनबाद की निविदा रद्द करने के मामले में कंपनी के कार्यकारी निर्देशक दीपक खंडेवाल ने आपत्ति जताई है। सोमवार को पॉलिटेक्निक रोड धनबाद में अवस्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि बैंक गारंटी एसबीडी के अनुरूप समर्पित नहीं करने का हवाला देते हुए विभाग ने कंपनी को आयोग घोषित कर निविदा रद्द कर दिया, जबकि कंपनी के द्वारा बैंक गारंटी के कागजात समेत टेंडर के लिए सभी आवश्यक कागजातों को विभाग में जमा कराया गया था। किसी प्रकार की कहीं कोई त्रुटि नहीं होने के बावजूद निविदा रद्द किया जाना समझ से परे है। गौरतलब है कि गोड्डा में 5000 मैट्रिक टन की क्षमता का कोल्ड स्टोर निर्माण के लिए विभाग ने टेंडर निकाला था। करीब करोड़ों की लागत से बनने वाले कोल्ड स्टोरेज के लिए निविदा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल थी। टेंडर के लिए 4 कंपनियां, जिसमें परमानेंट फिकॉन प्राइवेट लिमिटेड धनबाद, मीना कंस्ट्रक्शन महादेवा इंटरप्राइजेज और मातारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हुई थी। विभाग ने महादेवा इंटरप्राइजेज को योग्य घोषित करते हुए उसके वित्त वीड को खोलने का निर्णय किया। विभाग में चल रहा टेंडर मैनेज करने का खेल एसीबी से शिकायत की। दीपक खंडेवाल ने कहा कि विभाग में धड़ल्ले से टेंडर मैनेज करने का खेल चल रहा है। उपरोक्त मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एसीबी से लिखित रूप में मामले की शिकायत की है। निगम में टेंडर के लिए बने नेक्सस के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि कंपनी द्वारा एसबीडी के शर्तों के अनुरूप टेंडर डाला गया है, इसके बावजूद निविदा रद्द की गई है। वहीं दीपक खंडेवाल ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस मामले में उचित न्याय की गुहार लगाई है। पिछले 2 वर्षों में 14 से 15 निविदा रद्द हुई है। उन्होंने कहा, ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। विगत 2 वर्षों में विभाग 14 से 15 बार परमानेंट फिकॉन प्राइवेट लिमिटेड की कहीं ना कहीं त्रुटि बताकर निविदा रद्द करते आई है। 2016 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग एवं आरएस मोड़ कॉलेज धनबाद के लिए 1800 क्षमता का मल्टी पर्पस एग्जामिनेशन हॉल का टेंडर, 2017 में कंस्ट्रक्शन और प्रेस क्लब धनबाद और देवघर का टेंडर, 2020 में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्टिफिकेशन सेंटर का 2020 में कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर, 2021 में गोड्डा पाकुड़ और दुमका में 5000 मल्टी टन की क्षमता का कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए परमानेंट फिकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भरे गए निविदा रद्द की गई है। मामला ऐसा है, मैं संवेदक परमानेंट फिकॉन प्राइवेट लिमिटेड धनबाद में, हम लोग बहुत विभाग में काम कर रहे हैं। अभी 2 साल से हम झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इसको निगम के नाम से जाना जाता है, इसका ऑफिस प्रोजेक्ट भवन रांची में है। पिछले 2 साल से मैं उस विभाग में टेंडर डाल रहा हूँ और करीबन 200 टेंडर मैंने डाला है वहाँ पर अलग अलग ज़िले के लिए। एक भी टेंडर में मेरे को क्वालिफाई नहीं किया जा रहा है और सब चीज़ में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कारण लगाते हुए टेंडर को रिजेक्ट किया जा रहा है। अति तो अब ये हो गई है वहाँ पर कि अपने करीबी आदमी लोग को वो लोग वहाँ बैठा रखे हैं जो टेंडर मैनेज कर रहे हैं। टेंडर मैनेज करने का खेल चल रहा है, परसेंटेज पर पैसा लिया जा रहा है, टेंडर दिया जा रहा है। जो कंपनी, जो पुरानी कंपनी है जिनका टर्नओवर 26 करोड़ 30 करोड़ का टर्नओवर है, जिसका क्वालिफिकेशन है, सारा चीज़ को दरकरार करते हुए कोई ना कोई कारण से टेंडर रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज दुखी होकर मैं इस बात को बता रहा हूँ। लास्ट टेंडर मैंने गोड्डा ज़िले के लिए 5000 मैट्रिक टन खाद को 5000 मैट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज का टेंडर निकला था। हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, सब कुछ, सारा पेपर हमने उसमें डाला है। पेपर डालने के बाद 4 दिन पहले मेरे पास मैसेज आता है कि आपका टेंडर रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्ट करने का कारण देख रहे हैं तो उसमें लिख रहा है कि बैंक गारंटी एसबीडी के अनुरूप समर्पित नहीं की गई है, जबकि मेरे पास बैंक गारंटी की कॉपी है, सारी कुछ है, और जो जिस तरह की कॉपी विभाग ने मांगी थी सेम उसी तरह से वो जमा किया गया है।
लेकिन पता नहीं क्या कारण है जिसके कारण सब समय मेरा टेंडर को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और मैं लास्ट में परेशान होकर मुख्यमंत्री जी से गुहार करता हूँ या डिपार्टमेंट में जो भी आदमी मेरी बात सुन रहा है मैं गुहार करता हूँ कि इस पर जो है कार्रवाई की जाए और इस पर जांच होते हुए सारा चीज़ को स्पष्ट किया जाए। कहाँ कहाँ पत्राचार आपने किया? पत्राचार मेरा अभी मैंने दैनिक भास्कर में किया था, जिन्होंने परसों के दिन उसको छापा है। ऑफिशियल हमने आपका एंटी करप्शन ब्यूरो में रांची में इसका पत्राचार किया है और भी विभाग में अलग अलग डिपार्टमेंट में जहाँ पर सुनवाई हो सकती है सब जगह मैंने उसका पत्राचार करते हुए चिट्ठी वहाँ पर जमा करवाया है। ये जो टेंडर जो जबरन रद्द किया जा रहा है आपका, ये प्रक्रिया कब से चल रहा है? कितना ये पिछले 2 साल से मैं इस विभाग में टेंडर डाल रहा हूँ और ये पिछले 2 साल का टेंडर का पेपर है। इसमें अलग अलग जगह का अलग अलग टेंडर इसमें पूरा दिया हुआ है। ये मेरा साइट से डाउनलोड किया गया है, जहाँ जहाँ हमने टेंडर डाला है सब जगह का टेंडर पेपर है। ये जहाँ पर दिखा था एक भी टेंडर क्वालिफाई नहीं किया। ठीक है, मैं एक जगह गलती कर सकता हूँ, दूसरी जगह गलती कर सकता हूँ, तीसरी जगह गलती कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा क्या है जो 14-14 बार 15-15 बार मैंने टेंडर डाला है और टेंडर को रिजेक्ट किया गया है? रेट का कोई चक्कर है? रेट खुलने ही नहीं दिया जा रहा, पेपर खुलने ही नहीं दिया जा रहा, आपको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है पेपर। ये लास्ट मेरे पास आया है, ये मैंने डाउनलोड किया है झारखंड सरकार के पोर्टल से, जहाँ पर लिखा गया है कि परमानेंट फिनकॉन को बैंक गारंटी SBD के अनुरूप समर्पित नहीं करने के कारण उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। कौन कौन से कार्य के लिए आपने डाला? हमने ये 5000 मेट्रिक टन गोड्डा के लिए डाला था, दुमका के लिए डाला था, पाकुड़ के लिए डाला था, सारे जिले के लिए मेरे को रिजेक्ट करते हुए अपने नियर एंड डियर वन जो उनके नियर बाय हैं उन्हीं को काम दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सारी कंपनी का निष्पक्ष जाँच किया जाए, फॉर्म 26AS निकलवाया जाए उन लोग का और जांच किया जाए। जिस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ नहीं है उनको 10-10 करोड़ का टेंडर दिया जा रहा है और हमारी कंपनी जिसका टर्नओवर 26 करोड़ 30 करोड़ है उसका पेपर को रिजेक्ट किया जा रहा है। इसमें क्या कुछ और भी लोग हो सकते हैं या सरकार के कुछ बताया नहीं जा सकता है ये क्या है? मैं तो खुल के बोल नहीं सकता हूँ कौन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि इसकी निष्पक्ष जाँच करवाई जाए जिससे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो। नाम बताएं अपना, नाम बताएं। मेरा नाम दीपक खंडेलवाल, संवेदक परमानेंट फिनकॉन प्राइवेट लिमिटेड, धनबाद। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़ रेलवे गेट नंबर 1 धनबाद, मोबाइल नंबर 7004067।